बर्गर खाया, पिज्जा खाया, खाया खूब पैटीज, मगर माँ के हाथों का खाना आज भी लगे अजीज। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ममता, स्वागत करती हूँ माहिया लाइफ में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम माँ के हाथों का बना एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और हमें उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए साथ मिलके बनाते हैं आलू और बेसन से बनने वाली ये आसान से सब्जी, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बाउल में हम 100 ग्राम के करीब बेसन ले लेंगे। इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, आधी चम्मच सरसों की तेल, जो कि बहुत जरूरी है। 1/4 हम इसमें इनो ले लेंगे, बस थोड़ी सी। इन सबको थोड़ी सी पानी मिला करके हम अच्छे से फेटेंगे। हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके फेटेंगे दोस्तों, ताकि ये ज़्यादा लूज भी ना हो और लंग्स भी ना पड़े। चैनल में और भी बहुत सारे रेसिपी हैं, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों इसे पूरा बनाने में हमें फेटने में 6 से 7 चम्मच पानी की आवश्यकता पड़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो फूलने के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हमने 250 ग्राम आलू को उबाल करके अच्छे से मैश कर लिया है, ताकि इसमें थोड़ा भी गांठ ना रहे। अच्छे से मैश करना है दोस्तों, देखिए इसमें जरा भी गांठ हमें नहीं रहना चाहिए। और इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधी चम्मच भुनी जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। इन सबको मिला करके हम पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम इन्हें मिलाने के लिए हैंड ब्लेंडर का यूज करेंगे, ताकि ये मसाले, पानी और आलू एक साथ मिल जाए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। तो इसमें और पानी मिला लेंगे दोस्तों, मिला करके इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए 2 टमाटर बारीक काट लिया है, साथ साथ लहसुन के बारीक बारीक कलियां काट ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर लिया है, 4 हमने हरी मिर्च और प्याज को बारीक काट लिया है, 1 हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता। एक कढ़ाही गरम करते हैं और कढ़ाही को गरम होते ही इसमें फेटा हुआ आलू हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे कुछ पानी, करीब 1 गिलास पानी हम डालेंगे और डाल करके इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे हम डालेंगे 1 तेजपत्ता तोड़ करके, ताकि इसका टेस्ट अच्छे से इस दाल में आ जाए। अब इसे हम खूब अच्छी तरह से गाढ़ी होने तक उबालेंगे। हमारी दाल, आलू वाली दाल जो है, वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और चलिए अब बनाते हैं हम बेसन का चिल्ला, जो हम इसमें डालेंगे। तो हमारा बेसन हो गया है रेडी। पैन गरम करके हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। हम लोग सरसों का तेल खाते हैं दोस्तों, तो सरसों का तेल का उपयोग करेंगे। आप जो भी तेल खाते हो आप उसका उपयोग करें। और इसमें देखिए, तेल को गरम होते ही हम मीडियम आंच पे चिल्ला बनाएंगे। इस बेसन को हम पैन में डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। अब फैला करके हमें मोटी ही बनानी है, इसे हम फैला लेंगे। अब फैला करके इसे दोनों तरफ से सिकने देंगे। ध्यान रहे, आंच हमें मीडियम स्लो रखना है, तेज आंच पे नहीं बनाना है। तरफ से हमारा चिल्ला सिक चुका है, तो इसे हम पलट देंगे। काफी आसानी से ये पलट जाती है दोस्तों, और इसी तरह हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। दोनों तरफ से हमारा चिल्ला सिक चुका है, इससे ज्यादा हमें नहीं सेकना है इसे, क्योंकि फिर हमें इसे उबालना है। तो चलिए अब हम गैस को कर देते हैं बंद। इसे अब हम कट कर लेंगे एक चाकू की सहायता से। हम इसे अपने मन पसंद आकार में कट कर लेते हैं। आपको हम इसका थिकनेस दिखाते हैं, इस तरह से इसका थिकनेस होना चाहिए दोस्तों।
हमने पिज्जा के स्लाइस के जैसा इसे लंबे लंबे काट लिए हैं दोस्तों। अब चलिए कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल डाल करके इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पाँचफोरन। पाँचफोरन डाल करके अच्छे से तड़कने देंगे। हमारा पाँचफोरन अच्छे से तड़क चुका है। इसमें हम डालेंगे जो हमने लहसुन को बारीक काटा था, लहसुन डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अदरक जो हमने बारीक बारीक काटी थी। अब इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और इसको भी तड़कने देंगे। अब डालेंगे इसमें जो हमने प्याज काटा था वो काट करके इस सबको हम सुनहला होने तक भूनेंगे। प्याज सुनहला हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटा हुआ बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डाल करके हम अच्छे से इसको भुनेंगे। टमाटर के साथ साथ नमक ज़रूर डालें जिससे टमाटर जल्दी गलता है। हमने आलू में नमक का प्रयोग नहीं किया था तो जितना हमें टेस्ट अनुसार नमक चाहिए यहाँ पे हम डाल लेंगे। तो हमारा टमाटर भी गल चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच थोड़ी सी और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। उबाला हुआ आलू वाला दाल इसमें डाल देंगे और डाल करके इसमें 1 उबाल आने देंगे। ये तरी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ी सी पानी हमने और मिला लिया है, क्योंकि जब हम बेसन इसमें डालेंगे दोस्तों तो पानी बेसन एब्जॉर्ब करती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पतला रखें। हमारी दाल हल्की हल्की उबलना शुरू हो गई है तो इसी टाइम पर हम जो बेसन का चिल्ला बनाए थे उसे डाल देंगे और डाल करके 1 उबाल आने देंगे। हमारी तरी भी अच्छे से उबल गई है और तैयार है हमारा आलू बेसन वाली दाल। आप इसे बनाइए। चलिए अब इसे हम करते हैं सर्व। इसे चावल रोटी किसी के साथ आप खा सकते हैं। तो हमने इसे लंच में बनाया था तो चावल के साथ खाते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए और बताइए कैसा लगा है। और दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। और हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।